वेलकम टू आवर ब्लॉग। जबरदस्त दिखते हुए तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त है जयपुर में, तो आज हमारा डे टू है। कल यार कैसे हम लोग वहाँ से आमेर फोर्ट से आए, इतना थक गए थे लिटरली कि आके डिनर किया और सो गए। अभी हम लोग लाइक हमारे होटल में ही हैं, सभी के दरवाजे बंद है, आप देख सकते हो, मतलब सभी लोग अभी सो रहे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग आप देख सकते हो घड़ी में 8 बज रहे हैं। गाइस ये रहा बालकनी का व्यू, मैंडेटरी होता है हर बार मैं आपको व्लॉग में दिखाता हूँ, क्योंकि आई लव बालकनी। और ये जो चीज़ है ना, ये मस्त लगता है, सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। और ये जो हमारा होटल है ना, इसका एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये सामने आप देखते हो रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स और उसके आगे रेलवे ट्रैक, मतलब ट्रेन यहाँ से जा रही है जयपुर की। और ये अपने घर पर लगवाऊँगा यार ऐसे। तो गाइस फाइनली फ्रेश हम लोग हो चुके हैं, सभी लोग उठ चुके हैं, मैंने आप देख सकते हो कपड़े चेंज कर लिए। अब भी यार लगी है थोड़ी सी भूख। हमने क्या किया था लास्ट नाइट ही ना, थोड़ा मैगी का पैकेट लेके रखा था, क्योंकि यहाँ पे किचन से हमारे पास, तो हम बना रहे मैगी और कुछ चाय। तो आज के जो हमारे शेफ़ है वो है मोनिका, तो ये बन रहा है क्या बोलते हैं इसको, लेमन टी, ठीक है। और ये शेफ स्पेशल आज के, दैट इज़ मैगी। और इनसे तो आप मिल चुके हो, ये हमारा मूंग है, मूंग। तो गाइस ये हमारा दारू तो गाइस इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, ये लेमन टी है। देखो धुआं निकल रहा है, अगर मैं दिखाऊंगा, देखो धुआं दिख रहा है, तो ये चाय है, ठीक है। ये 6 कप चाय हमारे लिए आया, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अल्कोहल है, क्योंकि कलर वैसा दिख रहा है। तो सुबह सुबह तो कोई पीता नहीं है तो चलो यार पहली बार मोनिका ने बनाया चाय, ट्राई करते हैं लेमन टी कैसा है। ये मरवर तो नहीं जाऊंगा ना। सुनो ना, राज घराने में क्या होता था, जो खाना बनाएगा या जो कुछ बनाएगा पहले वो टेस्ट करेगा, उनको पहले मैं टेस्ट कर लेती हूं, जिंदा रहोगे तो आप लोग भी ना। खट्टा है रे, अच्छा लेमन टी खट्टा ही होना चाहिए ना। गाइस मोनिका स्पेशल आज का मैगी भी तैयार हो चुकी है, और बहुत अच्छा काम किया आज मोनिका ने, हम लोग को लेमन टी असली बहुरानी बन गई, मतलब 3 साल बाद भगवान मुझे भी और मैगी खिलाई। तो चलो फटाफट से मैगी खाते हैं। फाइनली वी आर चेकिंग आउट आवर होटल, तो चलो गाइस जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और उसके बाद हम लोग जाना है लास्ट में अजमेर। बट टेंशन कुछ नहीं है, हम लोग की गाड़ी हमको मिल गई है, आगे बैठ गए सलीम भाई एंड हमारे ड्राइवर साहब, पीछे दोनों लड़कियां सीट जमा के बैठ गई गाइस, और यहाँ पे हमारी दोनों लड़कियां इधर। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फोर्ट हियर, जो कि यहाँ पे है, तो उसका भी व्यू देखते हैं। बाहर से ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखो। अभी गाइस इस फोर्ट के हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो ये है गाइस जयगढ़ फोर्ट, जो कि सिचुएटेड है अरावली माउंटेन रेंज में, जिसको चील का टीला भी कहा जाता है, हिल ऑफ ईगल्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर बनावट है इस फोर्ट का, और यहाँ पे एक पेड़ हमें दिख गया जो कि बहुत ज़्यादा छाव दे रहा था, तो वहीं पे हम रुक गए। और इसके पीछे का जो व्यू है कितना खूबसूरत, पेड़ पौधे और ये पुरानी कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस गेट के अंदर चलते हैं और आगे क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हाइट पे आ गए, और एक हाइट पे आने के बाद ये पूरा फोर्ट हमें नज़र आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखता हुआ। अभी थोड़ा सा टॉप पे हम लोग आ गए, और यहाँ पे ये जो व्यू दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त, और पीछे पूरा जयपुर की सिटी दिख रही है, और वो किला आमेर फोर्ट का है ना शायद, जो अपन कल देखने गए थे। एंड इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का सीन है, और ये जो व्यू दिख रहा है आपको गाइस, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, इन लोगों को रखते सेफ्टी। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, और यहाँ पे ना बहुत सारे ना खिड़की फोर्ट्स में बनाई जाती है, ताकि नज़र रखी जा सके। और पीछे से ये खिड़की के अंदर जैसे आप एंट्री लोगे गाइस, तो इस प्रकार का समथिंग व्यू दिखता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्या जबरदस्त व्यू है,
ये फोर्ट है आपका जयगढ़ फोर्ट, और सामने आप देख सकते हो वो जो दिख रहा है आपको अंदर पानी में, पानी के अंदर वो जल महल जो कि हम लोग कल इवनिंग में गए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। और यहाँ पे इस विंडो से जो सीन है गाइस, ये जो सीन है ये पूरा ग्रीन फॉरेस्ट या फिर माउंटेन्स का जो व्यू है वो देख पा रहे। और इस वाले विंडो से दिख रहा है पूरा पानी का व्यू, और पीछे वो आमेर फोर्ट का वॉल भी दिख रहा है जो हम लोग गए थे पिछले। नाइस, ये रहा ये तोप जो कि है ज़बरदस्त दिखते हुए, और ये कितना बड़ा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। बाप रे बहुत बड़ा यार, मतलब इतना ह्यूज साइज है, और इसको खींचने के लिए भी हाथ ही लटते थे लिटरली, ये इतना बड़ा है कि मेरे कैमरे में भी दूर से आएगा। और ये पीछे पूरा फोर्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली गाइस जयगढ़ फोर्ट तो घूम के हो गया, एंड अभी हम लोग निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। आज हमारे पास वैसे भी टाइम कम है, रात को 9 बजे की ट्रेन है, जितना हो सके उतना घूमने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। जयगढ़ फोर्ट से निकलने के बाद जैसा मैंने बोला है बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए लंच करने के लिए, और यहाँ पे मेन्यू कार्ड डिसाइड हो रहा है कि क्या खाया जाएगा। राजस्थानी थाली, दाल चूरमा बाटी वो खाया जाए कि और कुछ खाया जाए, राजस्थानी थाली। तो गाइस फाइनली हमारा ऑथेंटिक, इसको क्या बोलते भैया, गट्टा मसाला, गट्टा मसाला, ये रेगुलर दाल, दाल ये सब्जी, दाल दाल, क्या बात है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक राजस्थानी फूड। एंड सब लोग ने मंगा दिया है थाली, तो ये है ऑथेंटिक दाल बाटी चूरमा, बराबर दाल की तरह, ये कुछ सैलेड, ये राइस, ये कुछ तो है, ये दाल, ये लिट्टी, ये पापड़ और ये रोटी, और ये है हमारे भाई को, ये सब देखो ऑथेंटिक खाना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या बोलते सलीम भाई, खा के देखो टेस्ट कैसा है, अच्छा है। तो यार फाइनली इतना हैवी लंच करके कंप्लीट, सभी के थाली एकदम मस्त के साफ हो चुके हैं दाल बाटी चूरमा खा के, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अगले लोकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस 3 घंटा ट्रैवल करने के बाद इस गाड़ी से हम लोग की हालत इतनी पंचर हो गई है कि हम लोग को ब्रेक लेना पड़ रहा है। अभी भी एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल बाकी है अजमेर पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ से ट्रेन है हमारी। तो चलो अंदर जाते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट ट्राई करते हैं, और दिस इज़ द व्यू। हेलो गाइस, दिस इज़ जागृति। आज हम लोग हैं जयपुर नेशनल हाईवे पर, फिलहाल इतनी गर्मी है यहाँ पे कि सोच नहीं सकते, तो हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं लस्सी। गाइस ये मैं हूँ, ये हमारे दोस्त है, और यहाँ पे लस्सी पार्टी चल रही है, लस्सी पार्टी, लस्सी पार्टी, लस्सी पार्टी। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ के दरगाह पे। तो नॉर्मली हमारे साथ सलीम भाई थे, तो उन्होंने बोला चलो दरगाह जाएंगे, तो मैं और सलीम भाई यहाँ पे फाइनली दरगाह आ गए। और ये आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा प्रसाद का कुंड है जिसमें बहुत सारे पैसे और बाकी चीज़ें डाली जाती है, और उसके बाद प्रसाद जो है उसको बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी विजिटर्स आते हैं। तो फाइनली गाइस आफ्टर द अजमेर एंड अजमेर दरगाह, फाइनली हम पहुंच गए अजमेर के रेलवे स्टेशन पे, और हमारी ट्रेन भी पीछे लगी हुई है आप देख सकते हो। इट्स टाइम टू गो बैक टू मुंबई, तो फटाफट से ट्रेन में बोर्ड करते हैं। वैसे टाइम अभी हो रहा है 8:13, और जो हमारी ट्रेन डिपार्चर का टाइम है वो है 8:45, तो स्टिल वी हैव सम टाइम हियर। तो ये आप देख सकते हो ये ट्रेन सीधा हम यहाँ से 9 बजे के आसपास निकलेंगे, और अगले दिन दोपहर के 2 बजे के आसपास हम पहुँच जाएँगे। तो गाइस ट्रेन में हमें मिल गया है डोमिनोज का पिज़्ज़ा, और ये हमने मंगाया नहीं है, ये हमें सामने से आके बेचा गया है ये बिल्कुल हमने डोमिनोज से नहीं मंगाया है, और आप देख सकते हो डोमिनोज का लेबल भी है इसके ऊपर। तो चलो इसको पहले टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि ये वाकई में डोमिनोज है कि नहीं। आ जाइए गाइस, फाइनली ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है, और अभी ऑलमोस्ट 10 बज गए रात के, तो चलो अभी सोया जाए। सब लोग की तैयारी चल रही है इधर सोने की, और सलीम भाई तो यहाँ पे ऑलरेडी
चद्दर तान के सो चुके हैं। चलो यार अब हम भी चलते हैं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और रात भर हम लोग ज़बरदस्त तरीके से सोए, उसके बाद अभी उठ चुके हैं। एंड सिर्फ दो मेंबर अभी तक अंगड़ाई लेते हुए अभी तक बिस्तर से नहीं उठे, एक जागुटी एंड एक सलीम भाई एकदम मज़े में सोते हुए। देखो देखो गुड मॉर्निंग कब से बोल रहे लेकिन उठ नहीं रहे। ठीक है तो चलो यार आप लोग को मैं बाहर लेके चलता हूँ। अभी एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है जो कि है वडोदरा। वडोदरा जंक्शन का स्टेशन और ये हमारी ट्रेन और ये हमारा कोच। अंदर देख सकते हो सभी, अभी हम लोग ने यहाँ पे भजिया लिया है। आई डोंट नो कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो गाइस आज है पूजा का बर्थडे और हम लोग केक में कुछ जुगाड़ नहीं कर पाए, लेकिन एक केक का जुगाड़ हमने कर लिया है जो कि क्या बोलते हैं इसको, जो भी है केक। ठीक है तो अभी थोड़ी देर में हम लोग पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं गाने के साथ। चलो 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 इतने में बैठे थे चारों लोग। हेलो गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग। आप कैसे हो? ठाकुर बन गए हो? गंबल में आ रही हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग पालघर पहुंच गए थे और पालघर से हमने ले लिया है लोकल ट्रेन और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। तो चलो मिलते हैं घर पे। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और घर पहुंचने का जो फीलिंग है वो कुछ और ही है। काफ़ी अच्छा रहा जर्नी, डेढ़ दिन कैसे बिता पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आप देख सकते हो अब लगेज को ओपन किया जाएगा और मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ। तब तक इस वीडियो के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग वीडियोस हमारे पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है तो एक और न्यू ब्लॉग में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।